आप आज की डेट में किस वोट बैंक पे खड़े हैं? सिर्फ काम करने की सोच रही है, तो इसी के साथ, हमेशा इसी सोच के साथ काम किया। मेरे हिसाब से जो सुनोली रोड की सड़क बन रही है वो विधायक जी के प्लान की नहीं है। जो निगम में भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे फैमिली आईडी है, चाहे प्रॉपर्टी आईडी है, उसको मुख्य तौर पर ख़त्म करना है। और आने वाले समय में मैं इंडस्ट्रीज़ के लिए आवाज़ उठाऊंगी। सुरक्षा की दृष्टि से जो मुख्य मौके हैं वहाँ पर मैं सीसीटीवी कैमराज लगवाऊंगी। कुछ दिन का और इंतजार और पोलिंग होने वाली है, और पोलिंग को लेकर सभी प्रत्याशी मैदान में हैं और लगातार दम भर रहे हैं कि इस बार वो चुनाव जीतेंगे और विधानसभा में जाएंगे। राज नहीं सेवा का एक टैग जो है आप लगातार पानीपत में देख रहे हो, खंभे पर पोस्टर लगे हैं या बड़े बड़े फ्लैक्स भी जो है देख रहे होंगे। राज नहीं सेवा का टैग लगाने वाली रोहिता रेवड़ी हमारे साथ हैं, आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीत रही हैं। इनसे पहले भी मुलाकात करवाई थी, दोबारा मुलाकात करवाते हैं। राज नहीं सेवा, इसका क्या मतलब थोड़ा समझाएं। देखिए, राज नहीं सेवा का मतलब यही होता है कि आप अगर किसी पदवी को प्राप्त करते हैं और वो पदवी आपको जिनके माध्यम से मिली है और आप अगर उनके बीच में रह के काम करेंगे तो मैं उसको राज नहीं सेवा ही कहूँगी। आपको लगता है कि ये, जब मैं आपकी बात भी करता हूँ, राज नहीं सेवा वाली बात करते हैं, कैंडिडेट आते हैं, चुनाव जीत गया, चुनाव जो है या पॉलिटिक्स जो है ये बिजनेस बन के रह गए, आप उसमें सेवा कैसे निकल पाएगी? थोड़ा सा ये भी अर्थ जो है पानीपत के लोगों को समझाने की कोशिश करें। देखिए, बिजनेस किसी और के लिए या किसी और के सोच के लिए होगा, मैंने कभी इसको इस माध्यम से सोचा ही नहीं है। हमारे यहाँ पर जितने भी, मैं ये कहूँगी कि चाहे कोई पार्टी का कार्यकर्ता रहा है या पानीपत की जनता रही है, और अगर वो पानीपत के किसी भी कोने से आई है, चाहे वो पानीपत के बाहर, कई बार ही हमारे पास ग्रामीण क्षेत्र के भी लोग आए हैं, तो हमने उनको कभी ये नहीं कहा है कि आप इस हल्के से हैं या इस हल्के से नहीं हैं। तो कभी किसी के लिए कोई निश्चित दायरा नहीं रहा है, सिर्फ काम करने की सोच रही है, तो इसी के साथ, हमेशा इसी सोच के साथ काम किया है। आपकी हैदराबादी बिरादरी का मैं देख रहा था, कल आपको समर्थन दिया, बड़ा समर्थन था। और भी कोई आ रहे हैं आपके संपर्क में, लोग हैं जिसको आप आने वाले समय में आपकी स्टेज पर दिखेंगे? जी, कल हैदराबादी बिरादरी में सिर्फ रेवड़ी परिवार का समर्थन था, और जो आप पूरी बिरादरी की बात कर रहे हैं वो समर्थन जल्द होने वाला है। और भी बिरादरियाँ आएंगी आपकी स्टेज पर दिखी जाएंगी? डेफिनेटली दिखी जाएंगी, समय आने दीजिए। अभी बताएं, खुलासा नहीं करें? नहीं, अभी नहीं। अच्छा, लगातार आपका चुनाव प्रसार जा रहा है, मॉडल टाउन में ऑफिस भी खोल लिया और जगह भी आपके ऑफिस खुले हुए हैं। मॉडल टाउन की बात करें, जहाँ पर आपने ऑफिस खेला, वहाँ पर क्या दिक्कत आपको देखने को मिली? क्योंकि आप जहाँ जाते हैं, एक पॉलिटिशियन की नज़र होती है कि यहाँ पर ये समस्याएं हैं, या आपके उस इलाके के लोग मिलते हैं, वहाँ क्या समस्या देखने को मिली आपको? देखिए, वहाँ पर मेन जो समस्या, अभी मेरा वहाँ वैसे 1-to-1 कांटेक्ट हुआ नहीं है, वो डोर टू डोर मेरा अभी रहता है। मगर वैसे अगर पर्सनली हम जाएं तो वहाँ पे इवनिंग में थोड़ा सा चौक हो जाता है, जाम वहाँ पर, तो उसको अगर हम वन वे करके सर्कल में चलेंगे तो हम उसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, जाम की जो उसमें सुधार आ सकता है। तो ये समस्या अभी जो दिख रही है उसको आने वाले भविष्य में ज़रूर सुधारेंगे। अभी शहरी और ग्रामीण का इलाका जो है लगभग जो है साथ मिलता इलाका है, थोड़ी दूर जाएंगे तो ग्रामीण का इलाका शुरू हो जाएगा, ये शहरी इलाका है। इंडस्ट्री को लेकर, क्योंकि इंडस्ट्री के पलायन बहुत हुए, छोटी इंडस्ट्री जो है पानीपत में बड़ी बंद हुई है, उसको लेकर क्या समझे उद्योगपति, क्या समझे या छोटा मजदूर क्या समझे कि इंडस्ट्रियाँ बंद होने से बचेंगी, उसके लिए कोई प्लान आपने बनाया? देखिए, प्लान हमेशा सरकार के साथ रहकर बनता है। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि पिछली बार भी जब मैं सरकार में थी तो जहाँ पर भी और जब भी इंडस्ट्रियलिस्ट भाइयों को लगा कि किसी से मीटिंग करवानी है या मैं माध्यम बन सकती हूँ, उनकी आवाज़ को ऊपर पहुँचा सकती हूँ, वहाँ मैं उनका माध्यम ज़रूर बनी हूँ। और आने वाले समय में भी मैं इंडस्ट्रीज़ के लिए आवाज़ उठाऊँगी और वापस उनको स्थापित करने के लिए, ताकि यहाँ रोज़गार बढ़ सके, युवाओं को मौका मिल सके आगे बढ़ने का। रोज़गार सबसे बड़ा मुद्दा है, रोज़गार की आपने बात ये कर ली, 2 लाख रोज़गार की बात कांग्रेस कर रही है और बिना पर्ची बिना खर्चे की बात जो है बीजेपी कर रही है जी। आप क्या बात कर रही हैं? देखिए, जिनकी भी सरकार बनेगी, हमें तो रोज़गार से मतलब है, हमारे यहाँ के जो युवा साथी हैं उनको रोज़गार मिले, हमारा तो ध्येय यही रहेगा कि सरकार जिसकी भी बनेगी हमारे भाइयों को रोज़गार मिलना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी भी ले रही है आप, क्योंकि महिलाओं का जो फोकस है, सारी पार्टियों का फोकस जो है महिलाओं के ऊपर है, महिलाओं के लिए हम ये करेंगे, आपका क्या ध्येय है?
देखिए, मैंने अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा है कि सुरक्षा की दृष्टि से जो मुख्य मौके हैं वहाँ पर मैं सीसीटीवी कैमरास लगवाऊंगी, ताकि अगर कोई महिला अकेले भी जा रही है और उनको लगता है कि कहीं असुरक्षित है, तो वो सीसीटीवी कैमरास वहाँ होने बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, दो बड़ी पार्टियाँ हैं आपके सामने, कांग्रेस भी है बीजेपी भी है, दोनों ठीक ठाक कह रहे कि हम लोग वोट लेके चले जाएंगे, आप बीच में से कैसे निकलेंगी? क्योंकि बिना उसके निकल रही है बड़ी पार्टियों के, आप आज की डेट में किस वोट बैंक पे खड़ी हैं? देखिए, आज की डेट पे किस वोट बैंक पे खड़ी हूँ, अगर आप कार्यक्रम देखेंगे जो मेरे हमेशा होते रहे हैं शाम के समय पे, तो आप उसमें समझ जाएंगे कि क्या जनता का रुझान है, जनता किस हिसाब से आशीर्वाद दे रही है, सम्मान दे रही है, तो आइडिया लग सकता है। तो 1800 करोड़ का आप तो हिसाब किताब नहीं मांग रहे ना? कांग्रेस वाले तो 1800 करोड़ का हिसाब मांग ही रहे हैं। देखिए, जनता मांगेगी हिसाब, तो मैं कौन होती हूँ, जनता हिसाब मांगेगी और वो बहुत अच्छे से तराजू लेकर बैठेंगी कि किसको निष्पक्ष तौर पर करना है आगे। आप देख रहे हैं 1800 करोड़ रुपये फील्ड में दिख रहे होंगे आपको? देखिए, सबको पता है क्या दिख रहा है और क्या नहीं दिख रहा है, क्योंकि पहले हुड्डा में ज़्यादा काम हुआ, फिर मालटाउन में काम हुआ, अब दो मालटाउन के जो हैं आमने सामने हैं और आप हुड्डा में भी हैं। समान विकास की बात करते हैं कि पूरे इलाके में जो है समान विकास होगा, या आपके रहते हुए आपको क्या लगता है कि मालटाउन वाले इलाके में आपने कुछ काम करवाया था कि नहीं? देखिए, मैंने क्षेत्रवाद वाली राजनीति नहीं की है, और अगर मैंने पार्कों में सौंदर्यकरण किया है, वहाँ जिम दिए हैं, तो पानीपत के हर एक पार्क में दिए हैं, और मैंने यही कहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कोने से अगर आता है तो उसका काम होता है, तो क्षेत्रवाद वाली राजनीति मैंने कभी नहीं की है, व्यक्ति विशेष की राजनीति मैंने कभी नहीं की है। बीजेपी कह रही है, या खासतौर पर आपके विधायक कह रहे हैं, शहर के विधायक कह रहे हैं कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर हमने काम नहीं करवाए, चाहे आपका सनोली रोड हो, चाहे आपका हुड्डा हो, गंगापुरी रोड पे काम चल रहे हैं, इसीलिए वो दम भर रहे हैं कि मैं 1482 करोड़ नहीं अब 1800 करोड़ रुपए का हिसाब किताब लेके बैठा हूँ, विपक्ष मेरे से मांग रहे हैं, मैंने तो किताब छपवा रखी है। देखिए, मेरे हिसाब से जो सनोली रोड की सड़क बन रही है वो विधायक जी के प्लान की नहीं है, वो पीछे एक प्लान था जिसमें वो सड़क अप्रूव हुई थी हरिद्वार रोड पे, वो उसी के चलते ये उसमें इन्वॉल्व है सनोली रोड, तो ये मैं उनको श्रेय नहीं दूंगी सनोली रोड के लिए कि उन्होंने उस पे काम कराया है। और उससे साथ लगती गंगापुरी रोड है, जहाँ पर रोज़मर्रा वहाँ की जनता बोल रही है कि हम यहाँ पर सुधार चाहिए, यहाँ से हनुमान जी गुजरेंगे और कैसे गुजरेंगे, तो आप देख लीजिए अगर सुधार होना होता तो हो गया होता। सड़क आपने देखी है वहाँ बनते हुए? कहाँ पर? गंगापुरी रोड नहीं बनी है ना अभी, तैयार नहीं हुआ नहीं। अच्छा, ओवरऑल आप फील्ड में जा रही हैं, आपका मैनिफेस्टो की बात कर लें, आपने मैनिफेस्टो में एक तो सीसीटीवी कैमरा कह दिया, और क्या है आपके मैनिफेस्टो में? देखिए, उसमें मैंने हाली पार्क का पॉइंट रखा है, उसमें मैंने आवारा पशुओं का पॉइंट रखा है, उसमें मैंने रात को सुचारू रूप से होने वाली सफाई का पॉइंट रखा है, और जो जल भराव की स्थिति जो बारिश के समय में हो जाती है उसका भी पॉइंट मैंने रखा है, क्योंकि कुछ एक थोड़ी ही देर में अगर बारिश होती है तो हर जगह पे जल भराव हो जाता है, तो उसका कैसे सुधार हो पाए उसको भी मुख्य तौर पर देखना है। जाम की स्थिति बनी हुई है हर जगह पे, और सबसे बड़ी बात जो निगम में भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे फैमिली आईडी है चाहे प्रॉपर्टी आईडी है, उसको मुख्य तौर पर ख़त्म करना है ताकि जनता उससे सफ़र ना हो सके। आपको लगता है कि बस अड्डा बाहर गया है, बस अड्डा जाने से कुछ शहर में जाम की स्थिति कुछ ठीक हुई है, कुछ ऐसा देखने को मिला? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है सिचुएशन ज्यों की त्यों ही है अभी भी, और शाम के समय में ज़्यादा होती है, तो उसका भी ज़रूर रास्ता निकाला जाएगा। कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि बस अड्डे को हम शहर में वापस लेके आएंगे, या कुछ ऐसा करेंगे कि रात के समय कोई दिक्कत ना हो, अभी बस अड्डे को लेकर कुछ बात करते हैं? देखिए, मैं जो भी बात करूँगी वो टीम के साथ बैठ के करूँगी, मैंने पहले भी बताया था कि मैं हवा हवाई बात कोई भी नहीं करूँगी, ज़रूर उसका रास्ता निकालूंगी, इस चीज़ के लिए मैं खुद ही प्रतिबद्ध हूँ कि भाई मैं इस चीज़ के लिए निश्चय कर चुकी हूँ, मैंने उस पर काम करना है और उसको आगे बढ़ाना है। पब्लिक क्या डिमांड कर रही है आपसे? आप जाते हो जनसभाओं में जाते हैं, क्या बातें करती हैं, कुछ विकास को लेकर कुछ बातें होती हूँ, या आपसे अपेक्षाएँ क्या हैं कि रोहिता रेवड़ी जीत जाती हूँ तो क्या करेंगे हमारे लिए? देखिए, बहुत साधारण लोग हैं पानीपत के, और उन्होंने कभी भी कोई किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात नहीं की है, वो सिर्फ बहुत इजी लैंग्वेज में यही कहते हैं, तुसी हालात देख दे पे हो, यहाँ पे क्या चल रहा है, आप कूड़े के ढेर देखें और आप हमारी गली देखें और आप बारिश के समय आए यहाँ जो पानी भरता है, मतलब यहाँ कोई पूछने नहीं आया है, जो आप करवा गए हो बस वही काम हुआ है। पार्षदों ने भी कुछ नहीं करवाया?
देखिए किन्होंने क्या करवाया वो तो जनता बता रही है, तो आप जनता से पूछिए। अच्छा, रोजगार की बात की, शिक्षा और चिकित्सा के बारे में, क्योंकि ये नीड है आम लोगों की, मिडिल क्लास फैमिली की नीड है, इसको लेकर आपका क्या है आगे? देखिए जो जो कमियां हमें वहाँ पर चिकित्सा के क्षेत्र में लगेंगी तो मैं डेफिनेटली फील्ड में जाकर एक बार चेक करके उनको कमियों को पूरा करूँगी। लोग भरोसा दिला रहे हैं आपको कि आपका गैस चूल्हा जो है जलाएंगे? बिल्कुल डेफिनेटली। महिलाएं भी? महिलाएं ही बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रही हैं। चलिए, रोहिता रेवड़ी है, समय समय पर इनसे बातचीत करने की कोशिश करते रहेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इनकी राजनीति, इनका चुनाव प्रचार है वो कहाँ तक पहुँच गया। ऐसे छोटे छोटे जो इंटरव्यू हैं हम लोग लगातार 5 तारीख से पहले, यानी कि जब प्रचार खत्म होगा उससे पहले जो है दिखाने की कोशिश करेंगे, उनका प्रचार कहाँ तक पहुँचा है वो भी करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मुकाबला त्रिकोणीय है, उसमें रोहिता रेवड़ी का नाम जो है हर जगह लिया जाता है। वैसा पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।